चैनल वैशाली से। क्या आप जानती हैं 75 हड्डी चैलेंज क्या है? और अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे 75 हड्डी चैलेंज होता क्या है और क्यों 95% लोग इसे करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं 75 हड्डी चैलेंज के 5 रूल्स के बारे में। पहला, टेक प्रोग्रेस पिक्चर एवरी डे। आपको फर्स्ट डे से 75 डेज तक डेली अपनी प्रोग्रेस पिक्चर क्लिक करनी है ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। सेकेंड रूल, रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स। आपको डेली 10 पेजेस नॉन फिक्शन बुक्स के पढ़ने हैं, इससे आपका नॉलेज बेस एक्सपैंड होगा। थर्ड रूल, ड्रिंक 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हर रोज आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। फोर्थ रूल, फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट। इसमें आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होता है। आप इसमें ना ही चीट मील्स ले सकते हैं, ना ही अल्कोहल ले सकते हैं और ना ही इसमें आपको शुगर अलाउड है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट होनी चाहिए और इसमें एक भी दिन का गैप नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 5, 45 मिनट एक्सरसाइज ट्वाइस। आपको दिन में 2 बार 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। उनमें से एक ज़रूर आउटडोर होनी चाहिए और दूसरी आप इनडोर कर सकते हैं। तो ये हुए 75 हार्ड डे चैलेंज के 5 रूल्स जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। आखिरकार ये चैलेंज इतना हार्ड क्यों है? इस चैलेंज को हार्ड बनाता है इसका रिजिड नेचर और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इस चैलेंज में आपको फ्लेक्सिबल होने का मौका नहीं मिलता है। अगर आपने एक भी दिन की एक्सरसाइज मिस की तो आपको डे 1 से शुरू करना होगा और जितने भी दिन आपने एक्सरसाइज की है वो काउंट नहीं की जाएंगी। आपको दोबारा फिर से स्टार्ट करना होगा। तो इसका रिजिड नेचर, फिर इसमें ऐड ऑन है कि आप शुगर नहीं ले सकते, अल्कोहल नहीं ले सकते, चीट मील्स नहीं ले सकते, रेस्ट डे नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें इस चैलेंज को हार्ड बनाती हैं। पर ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने एक बार इस चैलेंज को कर लिया तो रिजल्ट ज़रूर विजिबल होंगे। तो ये था 75 हार्ड डे चैलेंज। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।